मेरे इस LED TV 1S फ़ोन के लिए मैंने मंगाया है एक बजट रेंज का टेम्पर्ड ग्लास। तो आइए देखते हैं कि क्या ये टेम्पर्ड ग्लास हमारे टेस्ट के अंदर होता है पास या फेल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीप और आप देख रहे हैं टेक रोजाना, जहां हम बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसे हम यूज करते हैं रोजाना। तो अगर आपने कभी भी अपने फोन के लिए एक टेम्पर्ड ग्लास ऑनलाइन परचेज किया होगा तो आपको अनुभव होगा ही कि आपको ऑनलाइन एक ही फोन के लिए 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की रेंज के अंदर टेम्पर्ड ग्लास मिलते हैं। और सभी तरह के टेम्पर्ड ग्लास एक ही तरह का दावा करते हैं कि उसके अंदर हमें सब तरह के फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि 9H की हार्डनेस, एंटी शटर ग्लास, ओलियोफोबिक कोटिंग या फिर कर्व्ड ग्लास। तो इस तरह की सब तरह के दावे जो हैं वो हर तरह के सभी प्राइस रेंज वाले टेम्पर्ड ग्लास हमें करते हैं। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वहाँ खड़ा होता है कि क्या हम एक बजट रेंज वाला 200 या 300 रुपए की रेंज का अगर एक टेम्पर्ड ग्लास लें तो वो कैसा परफॉर्म करेगा। तो आज मेरे इस LED TV LES 1S फोन के लिए मैंने भी मंगाया है एक बजट रेंज का टेम्पर्ड ग्लास, जो कि मैंने ऑर्डर किया है अमेजोन से सिर्फ 219 रुपए में। तो आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और करते हैं फिर टेस्ट कि किस तरीके से ये परफॉर्म करता है और क्या जो बड़े बड़े दावे ये टेम्पर्ड ग्लास करता है, क्या उन पे ये खरा उतरता है कि नहीं। तो ये है हमारा स्क्रीन प्रोटेक्टर और ये इस तरह की पैकिंग में हमें मिला है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है सेल बेल कंपनी की तरफ से। और पीछे की तरफ हम देखें तो कुछ इन्फॉर्मेशंस भी दी गई हैं, इनका एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और साथ ही में इनका ईमेल आईडी दिया गया, अगर हमें कोई क्वेरी है तो वो हम भेज सकते हैं। और साथ ही में लिखा है मेड इन इंडिया। और अगर इसके स्टिकर की बात करें तो स्टिकर के ऊपर जो प्राइस मेंशन है वो है 999, हालांकि हमने इसे मंगाया है 219 219 रुपये के अंदर। और इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके इसे परचेज भी कर सकते हैं। और सबसे एक चौंकाने वाली बात मेरे को लगी वो ये थी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो लिखी है वो है जनवरी 2018। तो क्योंकि ये LE का जो फ़ोन है 1S ये काफ़ी पुराना फ़ोन है, बट स्टिल इसका जो हमें स्क्रीन गार्ड मिल रहा है वो जनवरी 18 का बना है। इसका मतलब मुझे लगता है कि इसके स्क्रीन गार्ड की काफ़ी डिमांड अभी भी है। तो बस यही है, आइए खोलते हैं इस पैकेट को और देखते हैं क्या हमें मिल रहा है 219 रुपये के अंदर और क्या वो वर्थ है कि नहीं। तो इस तरह का एक हमें प्लास्टिक केस मिला है, इस केस को भी खोल लेते हैं। और इस केस के अंदर ये हमें एक एनवलप मिला है और साथ ही ये हमारा स्क्रीन गार्ड। तो ये सबसे पहले खोलते हैं इस एनवलप को, क्या है इस एनवलप के अंदर। तो इस पर लिखा है वेलकम किट। इसमें इन्होंने लिखा है वी आर स्टिल ग्रोइंग, वी नीड योर सपोर्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अस योर प्रोडक्ट रिव्यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, तो लिखेंगे हम इनको अपना प्रोडक्ट रिव्यू, एक बार खोल लेते हैं किस तरीके का हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, उसके बाद लिखेंगे इनके प्रोडक्ट के बारे में भी। और ये है एक यूजर मैनुअल और उसके साथ में है इनका एक कार्ड। और मेरे ख्याल से ये कार्ड काफ़ी कड़क है, इसको हम स्क्वीजी की तरह भी यूज़ कर सकेंगे शायद बबल्स निकालने के लिए। और उसके अलावा है ये डस्ट रिमूवल स्टिकर्स और 3 हमें दिए गए हैं गाइड स्टिकर्स भी, जिससे हम हमारे उसको सिक्योर कर सकेंगे, तो वो हम देखेंगे। और 2 तरह के हमें वाइप्स दिए गए हैं। ये है हमारा स्क्रीन प्रोटेक्टर। और जब मैंने इसे परचेज किया था तो इसमें मेंशन था कि ये एक 2.5D कर्व्ड ग्लास है, तो इसके जो एजेस है उसको टच करके लग रहा है कि ये 2.5D ग्लास ही है। और इसको एक बार प्लेस करके देखते हैं ऐसे ही अपनी स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह का फिट हमें मिलेगा। तो इसका फिट जो है वो काफ़ी अच्छा हमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम यही करते हैं जैसा इसमें मेंशन किया गया है, पहले खोल लेते हैं वाइप्स को। तो पहले हमें साफ़ करना है वेट वाइप से, इससे हमारे स्क्रीन को जो है अच्छी तरीके से हमें वाइप कर लेना है, किसी भी तरह का डर्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी डर्ट रह जाएगा तो वो जो है बबल्स क्रिएट करेगा। अब इसको हम कर लेते हैं ड्राई वाइप। तो ये हमारी स्क्रीन जो है पूरी तरीके से साफ हो गई है। और अब उसके बाद हमें करना ये है कि ये जो डस्ट रिमूवल स्टिकर है उसको यूज़ करके अगर कोई डस्ट पार्टिकल बचे हैं
तो वो भी हमें इसमें से निकाल लेने हैं। तो ये हमारा स्क्रीन भी साफ हो गया है। अब आइए स्क्रीन प्रोटेक्टर को जो है इसको टेम्पररीली प्लेस कर लेते हैं और उसके बाद जो गाइडिंग स्टिकर्स हमें दिए हैं इससे इसको इसकी जगह पे होल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ ऐसा करते हैं, इसके अंदर पहले इस स्क्रीन के ऊपर 3 स्टिकर्स लगा लिए जाएं। तो पहले इन तीनों स्टिकर्स को हमने स्क्रीन गार्ड के ऊपर लगा लिया है और अब जो है स्क्रीन गार्ड को हम परफेक्ट पोजीशन में जैसा हमको रखना है उस पोजीशन में इसको प्लेस कर लेते हैं। और जब आप एकदम पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएं इसके पोजीशन से तो इस स्टिकर को जो है आप टाइटली रैप कर दीजिए इस फ़ोन के आजू बाजू में, जिससे आपका जो स्क्रीन गार्ड है वो उसी जगह पे लॉक हो जाएगा। अब हमें करना ये है, अब हम इसको उठाएंगे, इसकी जो फिल्म है उसको हम निकाल देंगे और उसके बाद जो है इसको हम वापस से वहीं पे ये हमने प्लेस कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ग्लू जो है वो एक्टिवेट हो रहा है और इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ है, बबल नहीं बने। हमारी स्क्रीन जो थी वो हमने अच्छे से साफ़ कर दी थी तो अब इसमें कोई भी तरह का बबल भी नहीं बना है। और अब हम इस स्टिकर को जो है वो निकाल लेते हैं। तो जो हमारा स्क्रीन गार्ड है वो पूरी तरीके से चिपक गया है इसके ऊपर और क्योंकि वो 2.5D कर्व ग्लास है तो बहुत अच्छा फील दे रहा है हमको कॉर्नर्स के ऊपर एक राउंडेड एज की वजह से। और आइए इसको स्टार्ट करके देखते हैं इसका टच कैसा है। मेरे ख्याल से इसके टच भी जो है इसका अच्छा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, टच में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। आइए ज़रा कुछ टाइप करके देखा जाए। तो टच है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिल रही है टच के अंदर भी। तो जो स्क्रीन गार्ड था वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, एक 9H हार्डनेस जो इसमें लिखी है वो मुझे लगता है कि इसमें मिलेगी। टेम्पर्ड ग्लास था ये कोई पतली फिल्म नहीं थी। तो जो 219 रुपये के अंदर हमें जो ये डील मिल रही है मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी डील है कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट। तो जैसा कि आपने देखा कि ये 219 रुपये का स्क्रीन गार्ड जो है इसके अंदर से जो स्क्रीन गार्ड हमें मिला है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। उसके अलावा इसका जो टच है वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है, पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। साथ ही इसकी जो एजिस है उसके ऊपर जो 2.5D कर्व ग्लास के बारे में इस कंपनी ने कहा था तो वैसा ही 2.5D कर्व ग्लास भी हमें इसमें मिल रहा है। और इसके अंदर खाली एक चीज़ मेरे को नोटिस जो आई है वो ये है कि इसके अंदर ये ओलियोफोबिक कोटिंग जो है इसमें मेंशन तो नहीं थी कि इसमें है कि नहीं है, बट वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। अगर हम इसको टच करते हैं तो थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट्स पड़ते हैं इस पर, बट उसको अगर आप वाइप करें एक ही स्ट्रोक के अंदर वो अच्छे से साफ हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये 219 रुपये का बजट टेम्पर्ड ग्लास जो है इस फ़ोन के लिए स्पेशली ये वाला जो मॉडल है वो पूरी तरीके से पास हुआ है मेरे टेस्ट में। तो इसकी बेस्ट बाय लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर आप इसे खरीदना चाहें या इस कंपनी का कोई और प्रोडक्ट खरीदना चाहें तो वो वहाँ जाके खरीद सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था आज के वीडियो के लिए, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी बजट रेंज के अंदर एक अच्छा टेम्पर्ड ग्लास मिल सके। और अगर आपके मन में कोई सवाल है इस टेम्पर्ड ग्लास को लेके या और कोई टेक रिलेटेड क्वेरी है तो वो जरूर से पूछिएगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या आपने हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही दबाइएगा उस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ताकि हमारे वीडियो अपलोड होते ही मिल सके आपको नोटिफिकेशन। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।